हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीषाज कुकिंग किचन में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज है ना कोई रेसिपी की वीडियो नहीं है। आज मैं सिंपली आपको दिखाऊंगी कि जो रोटी हमारे घर में बनती है उसका आटा कैसे बनता है। आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, रोटी तो हम रोज़ ही अपने घर में खाते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि उसका आटा कैसे बन के रेडी होता है? तो यहाँ पे रोटी का जो आटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ज्वार ले रखा है। इसके अंदर भी छोटे छोटे पत्थर है, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये हमारा ना खेती का ज्वार है और खेती से निकाल के हम लेके आए हैं, तो इसको साफ करेंगे। इसके अच्छे से रोटी बना के आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग। और दोस्तों, इसी के साइड में हमने बाजरे ले रखा है। इनको हमने अच्छे से साफ कर लिया था और इसके अंदर हमने चावल, जो कच्चे चावल है उनको हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, फिर बाद में हम आपको बताते कि क्या करना है। देख सकते हो आप कितना बड़ा बड़ा खेत में हमारा होता है ज्वार। ये देख सकते हो, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे साफ करेंगे। आज कर ये देखिए, कुछ इस तरह हम इसको साफ कर लेंगे अच्छे से। तो जब तक ज्वार और बाजरा हमारा अच्छे से साफ हो जाता है, मैं आपको अपने गांव का कुछ सुंदर सा गार्डन दिखा देती हूँ। तो ये हमारा गांव का एक सुंदर सा गार्डन है, हमने अपने घर के ठीक बाजू में ही इसको बनाया है। बहुत सुंदर है ये और काफ़ी अच्छा है ये। और इसी गार्डन में हमने आम भी लगा रखे हैं और नींबू का पेड़, अमरूद का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े 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 आम हैं। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे कितने बड़े बड़े आम हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए फूल है, जो माला हम बनाते हैं ये उसी फूल से बनाते हैं। ये गांव में हम अक्सर सारे जो माला है वो इसी फूल से बनाते हैं हम। काफ़ी अच्छा लगता है बालों में और काफ़ी अच्छा सुगंध होता है इसका भी। तो आप ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस फूल का माला बना के। और इसी के ठीक सामने ये एक और ऐसे ही हमारे पास एक फूल था कि भी बहुत प्रिटी दिखता है, काफ़ी सुंदर है ये दिखने में, जिसे कि आप देख सकते हैं। और ये अभी कुछ नए नए फूल उग रहे हैं। उसी के ठीक सामने मैंने यहाँ पे पपीता का पेड़ भी लगा रखा था। अभी तो इसमें से दो ही पपीता है और वैसे ही मैंने कुछ यहाँ पे रैंडम प्लांट्स वगैरह लगा दिए। देखिए, हमने अच्छे से ज्वार को साफ़ कर लिया है और साफ करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं ये चावल के, कच्चे चावल के दाने। ये देखिए, और यहाँ पे ये जो बाजरा भी हमने साफ करके पहले से ले रखा था और इसके अंदर भी हमने कच्चे चावल डाल रखा है। तो अच्छे से हमने इसको साफ कर लिया है, तो अब हम जाएंगे इसको पीसने के लिए। Thank you.
मैंने पीसने के लिए दिया था और यहाँ पे कुछ ये इस तरह से पीस के रेडी हो गया, काफ़ी अच्छा सा और स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखा कि अपने कैसे जो रोटी बनाते हैं उसका आटा बन के रेडी हो जाता है। तो जो हम अब आटा पीस के लेके आए थे, मैं अब आपको उसका रोटी बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले रखा है गरम पानी और मैंने इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। हाथ जले ना करके मैं यहाँ पे एक इसका यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे और ये देखिए हमारा डो अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है। अब उसी डो में से हम थोड़ा सा लेके उसका रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम ऐड करेंगे और कुछ इस तरह से इसका ये बना देंगे और नीचे थोड़ा सा आटा डाल के ऊपर से इसको कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। तो देखा आपने, हमारे गांव में तो अभी भी रोटी हाथ से ही बनाई जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। और जब रोटी बड़ी होने लग जाती है, मतलब साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो दोनों हाथों का यूज़ करके हम रोटी बनाते हैं। फिर तो ये डाल दिया हमने तवा में और इसके अंदर इसके ऊपर हमने डाल दिया पानी। अब हम इसको पलटेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसी ही रेसिपीज आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।